हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस बार के चुनाव प्रचार में पार्टियों ने अपने विरोधियों पर बहुत से दांव खेले हैं, साथ ही विरोधियों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश भी की, लेकिन जनता पार्टी के साथ एक ही खेल खेलती दिखाई दे रही है, क्योंकि चौथे चरण में एक बार फिर मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई है। तो अब जनता भी नेताओं पर चुटकी ले रही है, अब जनता भी नेताओं को सत्ता के सपने दिखा रही है। चौथे चरण का मतदान सोमवार को हुआ, जिसमें पिछले चरण के मुकाबले 2% कम मतदान हुआ। इस बार कम मतदान के प्रतिशत ने पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जनता के दिल में है क्या। चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 64% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल करके 943 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। पर मामला एक बार फिर से कम मतदान पर आकर फंस गया है। साथियों, ये सारे मिलकर इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिन सीटों पर पिछले 2 चरणों से कम मतदान हो रहे हैं, वहां साख भी बीजेपी की ही दांव पर है। अब चौथे चरण की 72 सीटों को ही ले लीजिए। 2014 में बीजेपी इन्हीं सीटों की वजह से बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार मतदान के प्रतिशत में कोई बढ़त ही नहीं हुई है। अगर 2014 के मतदान प्रतिशत का मुकाबला 2009 से करें, तो नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर बिठाने के लिए 15.42% जनता ने ज्यादा वोट किया था, लेकिन इस बार जनता के मन की बात कोई भी पार्टी नहीं समझ पा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यूपी बिहार में बीजेपी, कांग्रेस और महागठबंधन तीनों ने ही जमकर पसीना बहाया, लेकिन इसके बावजूद मतदान कम हुआ। अकेले बिहार में 6% की गिरावट आई। देश को रात दिन कठोर परिश्रम करने वाला, आप 12 घंटे काम करे तो वो 18 घंटे काम करे, देश के हर नागरिक की अपनेपन के साथ सेवा करने वाला, देश की भावी पीढ़ी की चिंता करने वाला, ईमानदारी को उसूल मानने वाला, सबको एकजुट रखने वाला, ऐसा सेवक चाहिए कि वो वाला चाहिए। देश तय करे देश को कैसा सेवक चाहिए। अब कम मतदान होने के कई मायने हो सकते हैं, या तो देश में जो चल रहा है जनता उससे बेहद संतुष्ट है, या फिर वो इस बार अपना प्रधानमंत्री चुनने में थोड़ा समंजस की स्थिति में है। कारण चाहे जो भी हो, इसने पार्टियों के सरदर्द को भी बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और बिहार में मतदान कम हुआ। इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिस पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इन राज्यों में बीजेपी अपने जादू को दोहरा पाने में शायद कामयाब ना हो पाए। लेकिन बंगाल में हो रही धड़ाधड़ वोटिंग ने सीएम ममता बनर्जी और महागठबंधन के सपनों को एक झटका जरूर दे दिया है। बीजेपी के लिए राहत की बात ये हो सकती है कि वो यूपी में ना सही, बंगाल में अपना जादू चलाने में कामयाब हो जाए।
हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों को सशक्त कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि किसानों को समय पर खाद मिले, अपनी फसलों का उचित दाम मिले। भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके, उन्हें आधुनिक सुविधा दे सके। 543 सीटों में से 374 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन बाकी बची 169 सीटें किसी भी पार्टी को बहुमत के पास खड़ा कर सकती हैं, या फिर बहुमत से दूर कर सकती हैं। और अगर इस बार मतदान इसी तरह से होता रहा तो हो सकता है कि स्थिति खिचड़ी वाली ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।